दिल्ली में एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर से पूरे लाव लश्कर के साथ मंगलवार को एमसीडी की टीम मंगोलपुरी पहुंची। यहां एमसीडी की टीम ने पार्किंग में अवैध रूप से कब्जा को खाली कराने का काम किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रही। इस दौरान मंगोलपुरी के वार्ड 46 के अंतर्गत आने वाले कई पार्कों का एमसीडी की टीम ने दौरा किया और जहां भी पार्कों में अवैध कब्जा था उस पर एमसीडी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते मंगोलपुरी के अलग अलग पार्कों में ये बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान एमसीडी के अधिकारियों ने बताया कि एमसीडी द्वारा समय समय पर इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं। उसी कड़ी में एमसीडी का स्वच्छता अभियान देखने को मिला। एमसीडी के अधिकारी ने बताया कि अवैध कब्जा को समाप्त करने के बाद स्थानीय पुलिस और सभी संबंधित विभाग को विशेष तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि इसके बाद यहां पर किसी भी तरह से अतिक्रमण ना हो सके। आज वाई ब्लॉक वार्ड नंबर 46 के अंतर्गत जितने भी पार्किंग के अंदर अवैध कब्जा कर रखा था उनको क्लियर कराया गया है, इनक्रोचमेंट फ्री कराया गया है। हमें पूरा मुक्त करा के हम SHO साहब को लेटर लिखेंगे ताकि यहाँ पर दोबारा जो है अतिक्रमण ना होने पाए। हम यहाँ पर एक मेन गेट की व्यवस्था करेंगे ताकि आम पब्लिक पार्क के लिए आए, ना कि गाड़ी पार्किंग के लिए आए। गौरतलब है कि अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी ने पूरी दिल्ली में एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसको लेकर अब एमसीडी ने अपनी कमर कस ली है। इसी के परिणाम स्वरूप मंगलवार को एमसीडी की टीम मंगोलपुरी पहुंची और पार्कों में अवैध कब्जा को समाप्त करवाया। आपको बता दें कि हर बार एमसीडी द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ स्वच्छता अभियान तो चलाया जाता है, लेकिन बाद में स्थिति जस की तस हो जाती है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार एमसीडी की यह कार्रवाई कितनी कारगर साबित होती है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।